तो क्या इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने आ रहा हूँ कि आप लोग फ्री फायर गेम खेलने के लिए जो है एक सबसे ज्यादा बेस्ट फोन जो है कैसे चूज कर सकते हो। अगर आप लोग भी सोच रहे हो कि आप लोगों को फ्री फायर खेलने के लिए जो है एक नया फोन चाहिए, तो आप लोग फ्री फायर खेलने के लिए जो है एक नया फोन जो है कैसे चूज कर सकते हो, जिसमें फ्री फायर जो है एकदम मक्खन सा चले। एंड आप लोगों को तो ये बात पता ही है कि अभी के टाइम पर अच्छे अच्छे डिवाइसेस में भी जो है फ्री फायर लैग करना स्टार्ट कर देता है। बट मैं जो आप लोगों को स्टेप्स बताने वाला हूँ, बस आप लोगों को ये सारे स्टेप्स जो है फॉलो करके जो है नया स्मार्टफोन लेना है, तो वो स्मार्टफोन में जो आप लोगों को फ्री फायर एकदम सा भी जो है मक्खन चलने वाला है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देना चाहता हूँ एक नया स्मार्टफोन गेमिंग एंड फ्री फायर लेने के लिए। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को वो स्मार्टफोन का डिस्प्ले का साइज एंड फोन का क्वालिटी एंड सिर्फ रैम, ये तीन चीजें देख के, सिर्फ ये तीन चीजें देख के जो है आप लोगों को वो स्मार्टफोन नहीं लेना। क्योंकि फोन कंपनीज क्या करती है कि आप लोगों को जो है डिस्प्ले का साइज दे देती है या फिर फोन जो है दिखने में अच्छा बना देती है, बट वहीं पे फोन के अंदर के स्पेसिफिकेशन जो है वो जो आप लोगों को खराब मिलने लगते हैं। फोन को जो है अंदर से उतना अच्छा नहीं बनाती है कंपनीज, बट बाहर से जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा दिखने में जरूर से बना देती है फोन को। तो इसीलिए आप लोगों को गलती से भी जो है ये सिर्फ ये चीजें देख के जो है आप लोगों को फोन को जो है नहीं लेना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि आप लोगों को जो है फोन लेने से पहले उसका जो है प्रोसेसर जरूर से चेक करना है, क्योंकि आपका गेम जो है वो प्रोसेसर के बदौलत ही जो है आप लोगों का स्मूथ चलेगा। अगर आप लोगों को सब चीज ठीक रहा पूरा फोन के अंदर, बट वहीं पे अगर आप लोगों का प्रोसेसर ही कमजोर रहा, तब तो आप लोगों का गेम भाई कोई नहीं रोक सकता टकने से। चाहे उसमें आप 8 GB का रैम दे दो या दे दो आप उसमें 16 GB का रैम, बट अगर आप उसमें प्रोसेसर ही कमजोर दोगे तो आप लोगों का गेम तो अटकना ही अटकना है। तो करना क्या है आप लोगों को बस जाके गूगल पे सर्च करना है कि आप लोगों का बजट डालना है लाइक 15,000 में सबसे अच्छा अगर आप लोगों को प्रोसेसर चाहिए, तो बस आप लोगों को सर्च करना है बेस्ट प्रोसेसर अंडर 15,000 जाके गूगल पे। एंड प्रोसेसर तो आप लोगों को बहुत टाइप्स के देखने को मिल जाते हैं लाइक स्नैपड्रैगन, एक्सोनस, मीडियाटेक। तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि सिर्फ आप लोगों को जो है मीडियाटेक का प्रोसेसर चाहिए, तो आप लोगों को सिंपल से गूगल पे सर्च करना है बेस्ट मीडियाटेक प्रोसेसर अंडर 15,000। एंड मैंने बेस्ट प्रोसेसर फॉर फ्री फायर पे जो है एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे दूंगा वीडियो का, जाके उस वीडियो जो है जल्दी से चेकआउट कर लेना। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड स्टेप की तरफ। तो हमारा सेकंड स्टेप होने वाला है बैटरी पावर। अब हम लोग तो यही चाहेंगे कि हमें जो है अपने फोन को जो है बार बार चार्ज में नहीं लगाना पड़े, क्योंकि रैंक पुश कभी करना पड़ता है, कभी कस्टम आ जाता है, तो हम तो नहीं चाहेंगे कि हर टाइम पे जो है हमें अपना फोन को जो है चार्ज में लगा के रखना पड़े। सो इसके लिए जो है आप लोगों को अपने फोन के अंदर चाहिए होगा ज्यादा अच्छा बैटरी पावर। एंड अगर ज्यादा अच्छा बैटरी पावर ले लिया लाइक 6,000-7,000 mAh का बैटरी मिल गया, बट वहीं पे अगर आप लोगों को जो है उसका चार्जर जो है एक नॉर्मल सा चार्जर मिला, तो आप लोगों का भाई 3-4 घंटा भी तो वो भी कम हो जाएगा। मुझे जितना लगता है कि लगभग 5 घंटे लग जाएगा आप लोगों को सिर्फ फोन को चार्ज होने में। तो अगर आप लोगों को बैटरी पावर ज्यादा मिल रहा है, तो आप लोग उसके साथ साथ जो है फास्ट चार्जिंग को भी खोज, क्योंकि अगर फास्ट चार्जिंग नहीं रहेगा तो आप लोगों का बहुत ही ज्यादा टाइम जो है सिर्फ फोन को चार्ज करने में ही चले जाएगा। तो आप लोगों को ज्यादा बैटरी बैकअप के साथ साथ जो है फास्ट चार्जिंग भी खोजना है। तो क्या चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड स्टेप की तरफ। एंड हमारा थर्ड स्टेप होने वाला है डिस्प्ले। अब आप लोगों को जो है बड़ी डिस्प्ले जो है नहीं खोजना है, एंड आप लोगों को सिर्फ बड़ा डिस्प्ले जो है वो नहीं खोजना है। आप लोगों को डिस्प्ले के अंदर जो है वो आप लोगों को क्वालिटी भी देखना है कि आखिर डिस्प्ले HD+ है या FHD+। आप लोगों को कम से कम FHD+ डिस्प्ले लेना चाहिए, यानी कि फुल HD+ जो डिस्प्ले है वो कम से कम आप लोगों को लेना ही है। नहीं तो आप लोगों को कहीं से भी जो है फोन के अंदर डिस्प्ले में जो आप लोगों को कहीं पे जो है क्वालिटीज नहीं देखने को मिलेगी। एंड ये भी आप लोगों को देखना है कि डिस्प्ले जो है वो IPS है या AMOLED है। AMOLED अगर आप लोग लेते हो तो आप लोगों को AMOLED के अंदर जो है वो ज्यादा कलर्स अच्छे देखने को मिलते हैं, बट AMOLED डिस्प्ले जो है वो आप लोगों को बजट गेमिंग फोन्स में जो है वो आप लोगों को मैक्सिमम टाइम जो है नहीं देखने को मिलते हैं। बजट फोन में जो है आप लोगों को AMOLED डिस्प्ले जो है बहुत ज्यादा ही कम देखने को मिलते हैं, बट वहीं पे जो है IPS जो है आप लोगों को बजट फोन में जो है सिर्फ IPS ही देखने को मिलते हैं भर के। तो IPS भी जो है कोई खराब डिस्प्ले नहीं होता है, बस आप लोगों को डिस्प्ले का क्वालिटी देखना है कि वो HD+ या Full HD+ है। आप लोगों को कम से कम जो Full HD+ जो है डिस्प्ले वो लेना ही है। अब मान लो कि आप लोगों ने ये सारी चीजें जो है कर ली, आप लोगों ने 6,000 mAh वाला बैटरी का जो है फोन ले लिया, एक बहुत ही अच्छे प्रोसेसर वाला जो है फोन ले लिया, एंड इसके साथ साथ जो इसमें डिस्प्ले है वो भी जो है AMOLED डिस्प्ले Full HD+ वाला जो है अपने फोन ले लिया, बट आप लोगों को कम से कम जो है 4 GB RAM जो है आप लोगों को स्मार्टफोन में चाहिए फ्री फायर को चलने के लिए। क्योंकि फ्री फायर भाई अब 2 GB RAM में चलने वाला गेम नहीं रहा, 2 GB या 3 GB तक में भी जो है चलने वाला गेम नहीं रहा। आप लोगों को कम से कम जो है 4 GB RAM
रैम चाहिए। 4 GB तो मैं इस टाइम के हिसाब से बोल रहा हूँ। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को फ्यूचर में भी जो कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप लोग 6 GB या फिर 8 GB रैम वाला वेरियंट ही ज्यादा प्रेफर करना। एंड अभी के टाइम पे तो आप लोगों को बजट में जो है अच्छे अच्छे स्मार्टफोन्स देखने को मिल जाते हैं। लाइक 15,000 के अंदर जो है आप लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छे स्मार्टफोन्स जो है गेमिंग के लिए जो आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने इसके ऊपर जो क्वालिटी वीडियो भी बना रखा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग एक बार जाके उस वीडियो को भी जो है चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस नया स्मार्टफोन लेने से पहले जो है आप लोगों को ये सारे स्टेप्स जो है वो जरूर से फॉलो करने। अगर आप लोग ये सारे स्टेप जो है नया कोई स्मार्टफोन लेने से पहले जो है फॉलो करते हो तो आप लोगों को जो है वो फोन में जो किसी भी टाइप का जो प्रॉब्लम नहीं आने वाला। तो गाइस आज का वीडियो जो है वो बस यहीं तक था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से एक लाइक मार देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे चैनल को सब्सक्राइब मार के नोटिफिकेशन बेल को भी जल्दी से मार देना। चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।